हेलो दोस्तों, ब्लॉग आशा कुमारी में आपका स्वागत है और मेरी तरफ सबको नमस्कार। आज आलू और बड़ी बनाने वाले हैं। चलिए बनाएंगे कैसा, उसको देखिएगा ब्लॉग अच्छा से, बने रहिए वीडियो में। इसको छील लेंगे, काट को डाक रख लेंगे, उसके बाद में देखिए देखिए आलू काट के तैयार हो गया है। प्याज सब मिर्चा सब काटते हैं। चलिए देखिए, प्याज और लहसुन और मिर्चा को निकाल लिए हैं, अब इसको काटते हैं। चलिए देखिए, प्याज सब कट गया है, अब जा रहे गैस ऑन करने और कढ़ाई को गर्म करते हैं। देखिए गैस हमारा ऑन हो गया है, अब कढ़ाई चढ़ा देते हैं, गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। आलू को तब तक धो के आते हैं। ये इसको धो लिए अच्छा से, फिर और ऊपर धो देंगे, इसीलिए इसको छोड़ दिए थोड़ा सा। चलिए मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है, अब तेल डालते हैं। देखिए हम तेल डाल चुके हैं, अब यहाँ तेल गर्म होगा, उसके बाद में बड़ी को भून लेंगे, फिर उसके बाद में प्याज सबको भूनेंगे। देखिए हम बड़ी को निकाल लिए हैं, इसको भून देंगे, तेल गर्म होगा उसके बाद में। देखिए तेल गर्म हो गया है, अब इसको डालते हैं। अच्छा से लाल हो गया है, और थोड़ा सा भूनने दे देते हैं, गैस को और थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि ना जले। देखिए ये अच्छा से लाल हो गया है, भिजा गया है अच्छा से, अब इसको निकाल लेते हैं। देखिए हम इसको निकाल लिए हैं वहाँ से, अब चलिए मिर्चा सबको डालते हैं। देखिए मिर्चा हम इसको डाल देंगे, प्याज भून जा रहा है, उस टाइम से हम आलू को धो के वहाँ रख लेते हैं दूसरा में। इसको हम अलग से रख देते हैं, चलिए इसको देखते हैं। ये हो गया है, अगर हम बड़ी इसको निकाल लेते, इसको डाल देते हैं, तो छोड़ देते हैं थोड़ा देर ढक के। देखिए इसको टमाटर को डाल देते हैं, नमक को भी डाल देंगे, अच्छा से मिला लेंगे।
अब छोड़ देते हैं इसको ढक के ताकि ये अच्छा से भुजा जाए। इसके बाद में भुजा तो उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल देंगे। भुजा गए हैं अब यहाँ पानी डाल देंगे थोड़ा सा ताकि ये लस्सी हो जाए। उसके बाद में मसाला डालेंगे। यहाँ पानी डाल देंगे। हमें यहाँ पानी डाल दिए हैं, डेढ़ गिलास डाल दिए हैं। ये पानी पूरा सोख जाएगा उसके बाद मसाला डालेंगे। तब तक ये सब भी सीख जाएगा आलू सब भी। चलिए अब इसको छोड़ देते हैं ढक के। 15-20 मिनट में हो जाएगा ये। थास देते हैं हम लोग का भाषा में, सादरी भाषा में इसको थास देते हैं बोलते हैं, ताकि ये वाला को गंदा हो जाएगा ऐसा करने से। देहात में इसने बनता है सब्जी उब्जी सब, इसलिए बनाना पड़ता है। शहर में दूसरा बनता है, देहात में दूसरा। तैयार हो गया है हमारा। टमाटर को खाली ऐसा कर लेंगे। उसके बाद में हम मसाला, देखिए आलू भी सीज गया होगा, ये देखिए सीज गया है आलू भी। और थोड़ा देर शायद छोड़ देंगे, और 5 मिनट जैसा इसमें नहीं ढकेंगे इसमें उघार छोड़ देंगे ताकि पानी जल्दी सोख ले। इसमें छोड़ देंगे थोड़ा देर उघार के, नहीं ढकेंगे अभी। हमको पानी प्यास लगा है तो देखिए हम पी ले रहे हैं एक गिलास पानी। चलिए ये हो गया है, अभी हम मसाला डाल देते हैं। काहे कि ज़्यादा पानी सोख जाएगा तो मसाला डालेंगे तो पूरा लटक जाएगा, जलेगा। ठीक हो गया है। सबसे पहले हम जीरा गोल के और धनिया वाला मिक्स वाला को डाल रहे हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा सा हल्दी, फिर गरम मसाला, फिर आधुनिक मसाला, जीरा मेरा लहसुन वाला और थोड़ा सा डाल देते हैं। फिर उसके बाद में अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा, उसके बाद में इसको मिला देते हैं अच्छा से। अच्छे से मिल गया है, इसको मिला थोड़ा देर इसने छोड़ देते हैं। देखिए कितना टेस्टी बन रहा है, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, फिर थोड़ा सा पानी दे देंगे, फिर दबेगा, उसके बाद में उतार देंगे इसको। ये अब बनिए गया है, अब थोड़ा देर केवल छोड़ देंगे, फिर इसके बाद में उतारेंगे। चलिए यहाँ थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, आधा गिलास जैसा, ये आधा गिलास बोले थे लेकिन एक गिलास डाल दिए हैं, ताकि थोड़ा सा हल्दी सब लगाए हैं वो वाला सब, ज़्यादा गंद ना दे, हल्दी हल्दी ना लगे बोल के। फिर इसके बाद में इसको छोड़ देते हैं ढक के 10-15 मिनट के लिए, फिर इसके बाद में उतार देंगे इसको। देखिए कितना अच्छा बन रहा है।
देखिए फूल कितना अच्छा दिख रहा है, फूल खिल गया है आसपास में। देखिए सब्जी तैयार हो गया है बनके अच्छा से। फिर यहाँ आप इसको उतार देंगे, आप यहाँ थोड़ा सा मतलब देखिए कितना अच्छा बन गया है, बड़ी भी कितना अच्छा हो गया है। आप यहाँ थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं चिकन मसाला को डाल देते हैं ताकि स्वाद बन रहा अच्छा बने स्वाद। देखिए हो गया है बन के तैयार स्पेशल, देखिए कितना अच्छा बनना है। अब इसको उतार देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे कि हम ऑफ कर दिए हैं, बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बार ये वाला रेसिपी आप लोग आजमा लीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है बनाने से और ये वाला टेस्टी बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और मेरा तरफ से सबको नमस्कार और क्या बोलते हैं जय हिंद वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, बाय।